दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सॉल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सॉल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। दोस्तों, मैं दोबारा से फिर आप लोगों को नमस्कार करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये स्पष्ट कराता चलूं कि जितने भी लोग ईडीएस का डेटा बना करके जो डिजाइन सेल करते हैं मार्केट में, क्या वो सारा डिजाइन सारा डेटा एक जैसा होता है या सबका डिजाइन और डेटा अलग अलग होता है? तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये चीज क्लियर करा दूं कि जितने भी लोग डेटा बना करके सेल करने वाले हैं, जो खुद से बैठ करके डिजाइन करते हैं, हर आदमी अपने अपने तरीके से डिजाइन करता है। जैसे कि एक उदाहरण मैं आप लोगों को दे दूं कि जैसे आप एक अपना मकान बनवा रहे हैं, तो हर आदमी अपने सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपने मकान का निर्माण करवाते हैं, या फिर इस बात को ध्यान में रख करके भी वो मकान का निर्माण करवाते हैं कि किस तरीके से मैं मकान का निर्माण कराऊंगा तो मैं बहुत ही आसानी से इस घर में निवास कर पाऊंगा या फिर जीवन व्यतीत कर पाऊंगा। साथ ही साथ वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ गए तो उनके रुकने और ठहरने का कमरा कौन सा होगा, ताकि ना तो उनको दिक्कत हो रुकने में और ना ही उनके रुकने से हमें दिक्कत हो। ठीक इसी तरीके से जितने भी डेटा क्रिएट करने वाले डिजाइनर हैं हमारे भारत के अंदर, जो डेटा बनाते हैं सेल करते हैं, मैं यहाँ पे किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करूंगा, हर आदमी के काम करने का अपना एक तरीका होता है और उनका एक अलग अंदाज होता है। मतलब कि जितने भी लोग डेटा क्रिएट करते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने सुविधा के अनुसार वो लेकर के चलते हैं, ताकि काम करने में सामने वाले को दिक्कत ना हो या फिर उनको सेल करने के बाद सामने वाले को गाइड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे मैं कुछ अपने बारे में भी आप लोगों को बताता चलूं कि मैंने जो डिजाइन तैयार किया हुआ है, ये कंप्लीट डेटा इस बात को ध्यान में रख के मैंने बनाया हुआ है कि जितने भी हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में रहने वाले जितने भी एडिटर हैं, सारे लोग इस डेटा पे काम कर ले, उनके लिए मैंने 3D इफेक्ट वाले बहुत सारे डिजाइन मैंने अलग से बना रखे हुए हैं। और मैंने उसके अंदर एक ऐसा भी डेटा तैयार कर रखा हुआ है जो हमारे बड़े शहरों में रहने वाले फोटोग्राफर या एडिटर बंधु हैं, जैसे कि वो मान लीजिए मुंबई में है, दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है या फिर लखनऊ में है, जो बड़े सिटी में रह करके काम कर रहे हैं, जो कट टू कट सिनेमेटिक पे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी मैंने डिजाइन अलग अलग दोनों तैयार कर रखा हुआ है। एडिटर के मांग के हिसाब से मैं उनको डेटा देता हूँ। जैसे कि वो किसी छोटे से कस्बे या छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग इफेक्ट देखना पसंद करते हैं, उनके लिए भी मैंने डेटा तैयार कर रखा हुआ है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो शहर में मेरे बंधु एडिट कर रहे हैं, जिनको बिल्कुल सिनेमेटिक बिट टू बिट एडिटिंग चाहिए, उनके लिए भी मैंने अलग डेटा तैयार कर रखा हुआ है। अब जो एडिटर बंधु मेरे से मांगते हैं कि मुझे ज्यादा इफेक्ट वाला चाहिए, तो मैं उनको भरपूर इफेक्ट वाला डेटा उपलब्ध करवाता हूँ। और जो बंधु मेरे से ये कहते हैं कि नहीं सर, मुझे कट टू कट ही सिर्फ चाहिए, तो मैं उनको कट टू कट उपलब्ध करवाता हूँ। आगे बढ़ते के क्रम में दोस्तों कुछ बिंदुओं पे और भी नजर डाल लेते हैं। जैसे कि अगर कोई फ्रेशर बंदा है जिनको एडिटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, और जब वो एक एडिटिंग का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे होते हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि मैं किसको फोन लगाऊं, मैं किससे बात करूं, मेरे सिस्टम कौन से होने चाहिए, सिस्टम असेंबल कौन करवाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक गलत सिस्टम ले लूं और मेरे जो जमा पूंजी है जो मैंने इकट्ठा कर रखा हुआ है, कुछ अपने रिश्तेदारों से मांग के, कुछ अपने दोस्तों से मांग करके, वो पैसा कहीं ब्लॉक ना हो जाए, कहीं किसी तरीके का कोई गलत चुनाव ना हो जाए जिसकी वजह से मैं कमा ना सकूं और उनके पैसे रिटर्न ना कर सकूं। क्योंकि जब भी कोई एडिटर बनने के लिए अब मार्केट में उतरता है और कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से उधार लेकर के पैसा और कुछ अपने पास से लगा करके जमा पूंजी एक मशीन लेने के लिए जब वो सोचते हैं, तो उनके मन में ये डर हमेशा बना रहता है कि कहीं ना कहीं कुछ मेरे साथ गलत ना हो जाए और मेरा पैसा ब्लॉक ना हो जाए। यहाँ पे आपके दिमाग में हमेशा एक सवाल ये चलता है कि कोई ऐसा आदमी मुझे मिल जाए जो पूरी ईमानदारी से मेरा एक बढ़िया सा मशीन असेंबल कर दे, दूसरी बात कि मुझे ईडीएस से संबंधित जो उसमें मटेरियल चाहिए, जो डेटा चाहिए, जैसे कि विधि के प्रोजेक्ट हो गया या सॉन्ग के प्रोजेक्ट हो गए, टाइटल हो गया, टीजर हो गई, हाईलाइट हो गया, या जो मतलब मार्केट में आजकल जो नए डिजाइन चल रहे हैं उस तरीके का मुझे डेटा भी वो उपलब्ध करवा दें। साथ ही साथ क्योंकि मैं नया फ्रेशर आदमी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मुझे समय समय पे वो गाइड भी करते रहें और काम करने का तरीका भी बता दें। और काम करने का तरीका बताने के साथ साथ अगर मैं कभी काम करते प्रॉब्लम में फंसता हूँ तो वो मेरी पूरी तरीके से मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहें और तैयार रहें। अब आगे सवाल ये बनता है दोस्तों कि आज के इस भागदौड़ और व्यस्तता भरी जीवन में
कौन इतना टाइम निकाल करके आपको देगा। ये चीज आप भी सोचते हैं कि ऐसा कौन होगा जो मैं जब भी फोन करूं वो मेरे फोन को उठाए और मेरे प्रॉब्लम को सोल्यूशन करवा करके मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकाले। बिल्कुल सही है आपका सोचना। आज के तारीख में भाई साहब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने घर का काम कर सके, तो आपको कब तक लेकर के जीवन भर चलेगा। पर कुछ लोग इसी भारत के अंदर काम कर रहे हैं जो पूरी ईमानदारी से आपके सारे फोन कॉल को रिसीव करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन करवाते हैं और आपके प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा बंदा कौन है जो मेरे प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझ करके मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो वो मैं हूँ जो आपकी पूरी तरीके से मदद करूंगा। और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी वीडियो आपने अभी तक देखे होंगे 2, 4, 10 सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कहीं ना कहीं इस तरीके का कमेंट मिल जाएगा कि बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ करके और मेरे चैनल को देख करके वीडियो एडिटिंग करना सीख गए हैं। तो आप भी अगर इस तरीके का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो निसंकोच होकर के फोन उठाइए और मुझे व्हाट्सअप करिए, डिस्प्ले पे और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। और किसी भी तरीके का आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई सवाल है, आप मेरे से पूछ सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी करवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो एडिटिंग आप आसानी से और बेहतर तरीके से तभी कर पाएंगे जब आपको एक साफ सुथरा डेटा बना करके मिले जिसपे बहुत ज्यादा तामझाम ना हो, काम करने का तरीका बिल्कुल सिंपल वे में हो और एक ऐसा तरीका जो बिल्कुल एक से दो बार में आपको समझ में आ जाए। इस तरीके का डेटा जब आपको मिलेगा जब ही आप एडिटिंग कर पाएंगे या फिर एडिटिंग की दुनिया में आगे बढ़ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारी यहाँ पे आए हुए एक एडिटर बंधु जिनका की नाम प्रवीण जी है, प्रवीण जी से बात करवाते हैं आपकी और वो अपनी जुबानी आज का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को उनकी जुबानी सुनवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण पासवान है और मैं गोरखपुर से सटे एक छोटे से शहर सिकरीगंज से बिलोंग करता हूँ। वहाँ से गोरखपुर मेन शहर की दूरी जो है तकरीबन 40-45 किलोमीटर के लगभग में है। मैं एक बार YouTube पे वीडियो देख रहा था जहाँ पे सर का बहुत अच्छा अच्छा जो है वीडियो मुझे मिला, तो तब से मैं सर का चैनल देखने लगा। पर मुझे ये लगता था कि ये सर इतने अच्छे हैं पर मैं कहाँ इनसे मुलाकात कर पाऊँगा। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सर कहाँ के हैं। मैं इनका वीडियो हमेशा देखता था पर एक दिन किसी वीडियो में मुझे पता चला कि कोई भैया थे जो गाजीपुर से आए हुए थे गोरखपुर अपना सॉल्यूशन कराने के लिए, अपना जो भी उनकी समस्या थी वीडियो एडिट से। तो मुझे तुरंत आइडिया आया कि मैं जो है गोरखपुर से जब सर हैं तो मैं गोरखपुर जा करके सर से मिलना चाहता हूँ। मैंने उनका नंबर देखा, उस पर कॉल किया, सर से बात हुई, सर ने मुझे तुरंत अपॉइंटमेंट दिया कि ठीक है आप इस दिन में आ जाओ। तो जैसा कि मैं अकेला आया हूँ, मैं 45 किलोमीटर दूर यहाँ अभी इस समय मैं सर के ऑफिस में बैठा हूँ। प्ले एडिट सॉल्यूशन जिसके नाम से आप लोग जानते हैं वो उदय सर हैं, मैं अभी आज उनके ऑफिस में बैठा हूँ। तो सर अभी मेरा पीसी फॉर्मेट किए हैं और डाटा अभी कॉपी हो रहा है, अभी थोड़ी देर में कॉपी भी हो जाएगा। सर से बात किए हैं, बहुत अच्छा लगा है। बाकी मेरी जो भी समस्या है सर को हमने बता दिया है। मुझे वीडियो एडिटिंग में इसके पहले कुछ भी नहीं पता था पर मुझे इसमें अच्छा नाम बनाना है, मेरे मन में ये तमन्ना शुरू से ही रही है। तो सर अब आगे मुझे बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बस दोस्तों, आप भी अगर इसी तरीके से परेशान हैं तो आप सर के पास आ सकते हैं। जैसा कि मैं बता दूं दोस्तों कि मैं यहीं पर क्यों आया, दोस्तों इसका रीज़न ये है, जैसे मैंने सर के पास कॉल किया, पहली ही बार में सर से बात हो गई और सर ने मुझे यहाँ पर आने के लिए जो है अपॉइंटमेंट दे दिया। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मैं करीब करीब 3-4 घंटे हो गए सर के पास ही हूँ मैं सुबह से ही, और तब से न जाने कितने कॉल आए हैं। सर ने एक बार भी किसी का कॉल इग्नोर नहीं किया। मैं भी एक नए नंबर से फ़ोन किया, सर से मेरा कोई परिचय नहीं है इसके पहले से, सर ने भी मेरा भी कॉल एक ही बार में रिसीव किया और मुझे तुरंत जो है बताया, पूछा कि आपने जो है कहाँ से बोल रहे हैं, आप इसके पहले काम के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो दोस्तों मैं एकदम फ्रेशर हूँ, मैं इस काम के बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं रखता हूँ और यहाँ पे जितने अभी कॉल आ रहे हैं सर सबका जवाब तुरंत एक ही बार में व्यस्त होते हुए भी सबका सॉल्यूशन दे रहे हैं। और मैंने YouTube पे भी सर के चैनल पर भी देखा था कि बहुत सारे लोग आ रहे थे यहाँ पे अपना सॉल्यूशन लेके जा रहे थे, सबका मैंने इंटरव्यू देखा था। तो मुझे कहीं ना कहीं एक भरोसा हो रहा था कि इतने सारे लोग आ रहे हैं और सब लोगों का भला हो रहा है तो मुझे चलना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और सर से बात हुई है और सर भी उसके बारे में सारी चीज़ें मुझे एक एक करके क्लियर कर रहे हैं। अभी कॉपी हो रहा है डाटा, कॉपी हो जाने के बाद क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आगे आती हैं, मैं अभी इसके बाद आपको बताता हूं। तो दोस्तों कंप्लीट प्रवीण जी का डाटा कॉपी करके और उनके सिस्टम में मैंने
इंस्टॉलेशन करवा दिया है और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे उनको बिठा करके और मैंने उनको ट्रेनिंग भी दी है। साथ ही साथ उनके आने से पहले ही मैंने उनको बोल दिया था कि सर सिस्टम प्लस उसकी ड्राइवर की सीडी और एक डायरी और एक पेन आप साथ में लेकर के आएंगे, ताकि मैं जो भी चीज आपको बताऊं वो आपको प्रैक्टिकल करने के साथ साथ अपने डायरी पे नोट भी कर लेना है, ताकि आगे चल करके कभी भी आप अगर भूल रहे हो तो उस डायरी को खोल करके उस नोट्स को पढ़ के अपने काम को आगे बढ़ा सकें। तो कंप्लीट मैंने सारे नोट्स जो जरूरी के हैं वो भी मैंने उनको नोट करवा दिए हुए हैं और डेटा इंस्टॉल करके कंप्लीट जानकारी प्लस उनको मैंने तकरीबन 2.5 से 3 घंटे उनको उनके ही सिस्टम पे मैंने ट्रेनिंग भी दिलवा दी है। चलिए आगे उनका ट्रेनिंग के बाद का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनको कैसा महसूस हो रहा है, फिर हम एक बार उनकी जुबानी सुन लेते हैं। अभी दोस्तों मैं दोबारा से आपके सामने दिखाई दे रहा हूं और अभी जो है दिन के करीब 5 बज चुके हैं और अभी मेरा सारा जो भी यहाँ पे सेटअप था कंप्लीट हो गया है। ये मेरा मशीन है, मेरा पीसी i5 है ये, और ये कंप्लीट हो गया है। इसमें डाटा कॉपी हो गया है, मैंने चेक भी किया है और जो भी मेरा कंफ्यूजन था सर ने बहुत ही अच्छे से मुझे बताया है। मैं एकदम नया हूँ, एकदम फ्रेशर हूँ, इसलिए मुझे जो भी ज़रूरी चीज़ें लगी हैं मैं उसको कॉपी में नोट भी कर लिया हूँ और सर ने मुझे भरोसा दिया है कि आगे भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है जो मुझे पूछना चाहिए तो मैं सर से पूछ सकता हूँ। तो मैं इस फील्ड में अब मतलब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं हाँ कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें, और इसके पहले तो सब कुछ हवा हवाई था, करना है बस करना है, कहाँ से करना है कैसे करना है ये मुझे कुछ भी नहीं पता था। अभी मेरे अंदर ये थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ मैं कर सकता हूँ और जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए सर बैठे हुए हैं तुरंत सॉल्यूशन देने के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों मेरा यहाँ पे जो है काम ख़त्म हो गया है और अब मैं अपना जो मशीन है इसको लेके जाऊँगा और बाकी सीखना है करना है दबा के लगे यार। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि मैंने सारा डाटा चेक किया है और सर का बनाया हुआ जो प्रोजेक्ट है इतना इजी है कि मतलब कि आप अगर एकदम फ्रेशर हो जैसा कि मैं हूँ, मैं आज के एक दिन पहले की अगर बात करूँ तो मुझे एडिटिंग के इस फील्ड में बिल्कुल नहीं कुछ पता था, पर आज मैं इस विश्वास के साथ यहाँ से जा रहा हूँ कि मैं ये जो भी है एडिट शादी वाला काम ये मैं बहुत ही अच्छे से तरीके से कर सकता हूँ। और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो सर सॉल्यूशन देने के लिए हमको पूरा भरोसा दिए हैं और सर के भरोसे मैं जो है आगे बढ़ जाऊँगा। पर दोस्तों प्रोग्राम जो भी बनाया गया है, जो भी इसमें जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जो भी इसमें चीज़ें हैं, इतने सरल हैं, इतने आसान हैं, इतने आसान तरीके से बनाया गया है कि उसको बहुत ही आसानी से कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी उस पर एडिट कर सकता है। मैं बिल्कुल नया फ्रेशर लड़का हूँ पर फिर भी मुझे ये इतना विश्वास हो गया है कि मैं उसको एडिट कर सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। इसमें आपको मैन्युअली कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा कुछ ऑटोमेटिक है। बहुत थोड़ी मोड़ी चीज़ें हैं जो आपको एक घंटे में अच्छे से समझ में आ जाएंगी, वो थोड़ा सा आप सीख लिए तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जानी है। फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं सर से। अभी सर के पास मैं ऑफलाइन आया हूँ डाटा लेने, और अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं, आप कहीं बहुत दूर से देख रहे हैं सर को, तो आप वहाँ से ऑनलाइन भी डाटा मंगवा सकते हैं। सर के पास कुरियर की व्यवस्था है, मैंने खुद भी अभी देखा, बहुत सारे लोगों का फ़ोन कर रहे हैं जो लोग नहीं आ सकते हैं बहुत दूर दराज के क्षेत्र से, उन लोगों को सर कुरियर के द्वारा डाटा जो है भेजने का व्यवस्था कर दिए हैं। और बाकी अगर आप यहाँ पर आ सकते हैं, समय दे सकते हैं, आसपास के हैं या फिर कहीं दूर के हैं, अगर आने में आप समर्थ हैं तो बिल्कुल दिल खोल के आप आइए। यहाँ पर कोई भी धोखाधड़ी जैसी बात नहीं है। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, सर भी गोरखपुर के ही रहने वाले हैं, तो मुझे तो पूरा बिलीव है 100% कि आपको यहाँ पे जो है जेन्युइन चीज़ मिलने वाली है और आप जो है यहाँ पे बेहिचक आ सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। अभी दोस्तों 6 बजने वाला है तो मुझे यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर सिकरीगंज जाना है। अभी मैं गोरखपुर मेन शहर में हूँ तो अभी निकलते हैं, सारा सेटअप हमारा ओके हो गया है। और इसके बाद अगर फिर मान लीजिए मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मैंने बहुत अच्छी कमाई कर ली, ये i5 है, मुझे i7 में जाना हो या फिर कोई और नया चीज आ गया तब तक मार्केट में किसी और चीज की नीड होगी तो फिर हो सकता है आपसे मुलाकात यहाँ पे हो। अभी तो बस निकलना ही है, बाकी सारी चीजें हो गई हैं, फिर मुलाकात हो सकती है।